हो गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का उद्देश्य बताएं। देखेंगे उद्योगों में काम करने वाले जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को प्रोटेक्शन देना, संरक्षण देना, श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार लाना, नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं को निर्धारित करना। देखेंगे समय समय पर न्यूनतम मजदूरी का नियतन करना, समय समय पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करना, कार्य के घंटे आदि का विनियमन रेगुलेट करना, अधिनियम के अंतर्गत नए नियोजनों को शामिल करना, मजदूरी का भुगतान मुद्रा या प्रकार में करना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए समिति का गठन करना, या अधिसूचना जारी करना, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना इत्यादि इसके उद्देश्य है। लिख लीजिए, पहले देश तब लिख पढ़ाते हैं। प्रोविजन लिखिए, पहला लिखिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संरक्षण देना, नेक्स्ट, श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार लाना, नेक्स्ट, नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं को निर्धारित करना,
नेक्स्ट, समय समय पर न्यूनतम मजदूरी का नियतन करना, समय समय पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करना। नेक्स्ट, कार्य के घंटे आदि को विनियमित करना। नेक्स्ट, मजदूरी का भुगतान मुद्रा या प्रकार में करना। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए समिति का गठन करना। या अधिसूचना जारी करना। नेक्स्ट, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना। रोमन में नहीं लिखे, 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखिए, ठीक है? रोमन में नहीं लिखना है। नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बताएंगे, आगे पढ़ना। अभी जैसे पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें या वर्णन करें। आप ध्यान देंगे कि इससे बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग नहीं आएगा। इसके अंतर्गत तोड़ तोड़ करके प्रश्न पूछा जाएगा, जो हम तोड़ तोड़ करके देखेंगे, जैसे न्यूनतम मजदूरी का नियतन करना, या दावे, या विस्तार क्षेत्र, या बिहार में न्यूनतम मजदूरी का इंप्लीमेंट क्रियान्वयन करने को आ सकता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आने की बहुत ही कम संभावना है। अगर आता है तो वही जो 3 पेज 3.5 पेज का आंसर जो आप लोग के पास है, जो फोटोकॉपी वाला, उससे आप लिखेंगे, देखेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिख करके नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 संरक्षा संबंधी श्रम विधान है, प्रोटेक्टिव है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का नियतन तथा कार्य के घंटे को विनियमित किया जाता है। यह अधिनियम
राष्ट्रीय श्रम आयोग ...1944 की सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1948 को पारित हुआ। इस अधिनियम में निम्न तथ्य स्पष्ट किए गए हैं, यह केंद्रीय श्रम विधान है जो पूरे भारत में लागू होता है। राज्यों में लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है। देखेंगे इस अधिनियम को मजदूरी श्रम संहिता लेबर कोड ऑफ वेजेस 2019 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नोट्स में गलत लिख लिया है स्टूडेंट, उसको सुधार लेंगे अगर नोट्स में होगा। कैसे आप लोग लिखा रहे हैं यही पढ़ेंगे, नहीं नौ की बात नहीं, दूसरा लिखते हैं व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य काल की दशाएं श्रम संहिता 2020 लिखा हुआ होगा, उसको काट करके आप ये बना लेंगे। लिखाते वक्त लड़के लोग गलत भी कभी बोर्ड पर लिखा हुआ उतार दिया। चलिए 2019 में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है मजदूरी का नियंत्रण करना तथा मजदूरी संबंधी समस्याओं का निदान करना। कोई दिक्कत? अब मुख्य प्रावधान प्रोविजन, देखिए कैमरे को अपना इधर लाइए। प्रावधान प्रोविजन प्रश्न आपका ये है। प्रावधान पहला है विस्तार क्षेत्र, स्कोप एंड कवरेज। यह अधिनियम देखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत एक अनुसूची दी गई है शेड्यूल। इस अनुसूची में दो भाग है, भाग वन एवं भाग टू। भाग वन के अंतर्गत कुछ व्यवसायों एवं उद्योगों को शामिल किया गया है, जबकि भाग टू के अंतर्गत कृषि एवं कृषि कर या कार शामिल किया गया है। जैसे देखेंगे उद्योगों में या व्यवसायों में आटा मिल, चावल मिल, दाल मिल, पत्थर तोड़ने, ऊनी गलीचे, उनका गोला बनाना, दुसाले बनाने, अबरक के खान इत्यादि में काम करने पर, कोयला के खान में काम करने वाले, क्रोमाइट के खान में काम करने वाले, डोलोमाइट के खान में काम करने, जितने खान है उसमें काम करने वाले श्रमिक को शामिल किया गया। कृषि एवं कृषि कर्म के अंतर्गत जो शामिल किया गया है मुर्गी पालन, पशु पालन,
दुग्ध उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री, मधुमक्खी पालन, तथा अन्य कृषि कार्य, जितने भी कृषि कार्य है इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कोई दिक्कत? इस अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे केंद्र सरकार के अधीन 45 नियोजन शामिल है जहां इस अधिनियम की प्रावधान लागू होते हैं, जबकि पूरी भारत के राज्यों को मिलाकर 1697 नियोजन शामिल है। सिकेश सिकेश इसमें इंक भरी है। सोलह सौ संतानवे नियोजन शामिल है जहां इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, राज्यों द्वारा यहां होते हैं। यहां देखेंगे समुचित सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी नियोजन में लागू कर सकती है। जो सब में लिखते हैं बात, आगे देखें दूसरा पॉइंट, न्यूनतम मजदूरी का नियतन फिक्सेशन करना, न्यूनतम मजदूरी फिक्स करना, निर्धारण करना। जिस नियोजन में 1000 या अधिक श्रमिक काम करते हो वहां समूची सरकार न्यूनतम मजदूरी का नियतन कर सकती है, फिक्सेशन कर सकती है। कोई दिक्कत? पहला कंडीशन। दूसरा, जिस नियोजन में 1000 से कम श्रमिक काम करते हो वहां समूची सरकार न्यूनतम मजदूरी का नियतन नहीं भी कर सकती है। तीसरा कंडीशन, लेकिन जैसे ही उस नियोजन में 1000 या अधिक श्रमिक हो जाते हैं वहां समूची सरकार न्यूनतम मजदूरी का नियतन कर सकती है। तीनों कंडीशन जान गए। समूची सरकार निम्न प्रकार की न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित कर सकती है। पहला, मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम टाइम रेट मात्रानुपाती समयानुपाती काम के लिए समयानुपाती दर से मजदूरी, समयानुपाती काम के लिए समयानुपाती दर से मजदूरी, एग्जाम्पल 8 घंटे
काम के लिए 8 घंटे की दर से मजदूरी। दूसरा, मिनिमम 20 रेट मात्रानुपाती काम के लिए मात्रानुपाती दर से मजदूरी। मात्रा बता रहा है, एग्जाम्पल 10 बोझे गेहूं की कटाई के लिए एक बोझे की दर से मजदूरी। बिहार में यही मजदूरी है, मजदूरी। तीसरा, मिनिमम गारंटेड टाइम रेट सुनिश्चित काम के लिए सुनिश्चित दर से मजदूरी। काम सुनिश्चित है, एग्जाम्पल 1000 ईंट ढोने के लिए 1000 की दर से मजदूरी। ओवर टाइम रेट अतिकाल काम के लिए 1 घंटे अतिकाल ओवर टाइम काम के लिए 1 घंटे की दर से मजदूरी, जो सामान्य मजदूरी से दोगुनी हो। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बोलेंगे एकदम, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। देखेंगे जब दिक्कत नहीं है तो फिर लिखेंगे। समूचे सरकार न्यूनतम मजदूरी का नियतन घंटे दैनिक या दिन कहिए, दैनिक साप्ताहिक तथा मासिक रूप में निर्धारित कर सकती है। घंटा में भी, जैसे सुबह शाम 1-1 घंटा पोंछा लगाना तो 1-1 घंटे की दर से मजदूरी, दिन भर पोंछा लगाना, दिन भर बच्चा खिलाना, सुबह शाम बच्चा खिलाना, सबके लिए अलग अलग दर निर्धारित होती है। कोई दिक्कत किसी? अब देखेंगे विस्तार से, प्रश्न लिखने को आएगा तो
लिख करके भेज देंगे क्या लिखा हुआ है उतार रहे हैं यही चीजें सेम ठीक ना हम ग्रुप में भेज देते हैं ठीक है है ओवर टाइम पढ़ाएंगे हम आगे कि अगर कोई व्यक्ति नौ दैनिक नौ घंटे काम करता है तो एक घंटे ही ओवर टाइम लिया जा सकता है लेकिन उसकी मजदूरी एक घंटे की दुगुनी होगी तो सबसे पहले हम नौ घंटे की मजदूरी निकाल लेंगे और तब एक घंटे की निकालेंगे मान लीजिए नौ घंटे की मजदूरी 500 रुपया है तो एक घंटे की कितनी होगी निकाल लेंगे एक घंटे गुने दो हो जाएगा उतनी मजदूरी डबल कर दो अब देखेंगे मिनिमम पीस रेट है गारंटेड टाइम रेट सुनिश्चित काम है काम सुनिश्चित है कि 1000 ही होना हाँ मात्रा तो 10 बजे गेहूं के लिए तीसरा देखेंगे न्यूनतम मजदूरी नियतन की विधि देखेंगे न्यूनतम मजदूरी नियतन की दो विधि अपनाई जाती है पहली विधि है समिति विधि और दूसरी विधि है अधिसूचना विधि नोटिफिकेशन में समिति विधि और अधिसूचना विधि समिति विधि समूची सरकार न्यूनतम मजदूरी नियतन के लिए एक या एक से अधिक समिति का गठन कर सकती है समिति में नियोजक एवं श्रमिकों की सदस्यों की संख्या बराबर बराबर होगी और जितने भी दोनों के मिला के मेंबर होंगे उसका 1/3 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति होंगे स्कूल का 1/3 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति होंगे उसमें से एक अध्यक्ष का समुचित सरकार चुनाव करेगी एक अध्यक्ष का चुनाव करें देखेंगे समिति द्वारा इसका कार्य क्या होगा न्यूनतम मजदूरी का नियतन करना इसका कार्य है न्यूनतम मजदूरी का नियतन करना फिक्सेशन करना तथा अधिनियम के अंतर्गत नए नियोजनों को शामिल करने संबंधी समूची सरकार को सिफारिश करना समूची सरकार समिति की सिफारिश को राजपत्र में प्रकाशित करेगी प्रकाशन के 3 माह बाद लागू माना जाएगा वह मिनिमम मेजर 3 माह के बाद लागू माना जाएगा कोई दिक्कत किसी को अधिसूचना विधि नोटिफिकेशन मेथड समूची सरकार न्यूनतम मजदूरी नियतन के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करेगी अधिसूचना में प्रकाशित होगा
कि समूची सरकार न्यूनतम मजदूरी नियतन करने जा रही है। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 2 माह के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता। समूची सरकार आपत्ति को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में मिनिमम वेजेज को प्रकाशित करती है, प्रकाशन के 3 माह बाद लागू माना जाएगा। कोई दिक्कत? चार है मैं शपथ लेता हूं कि विधि के द्वारा स्थापित नहीं जी कानून सम्मत काम करूंगा, बिना लोभ लालच का काम करूंगा। करते क्या है आप? करते क्या है लोग? तो अब उसी में से निष्पक्ष तो चोर हो जाए अलग बात, क्या कीजिएगा? अब विश्वास पर रखते हैं जी, किसी का चुनाव होता है कि अच्छे आदमी होंगे, सरकार समझती है कि अच्छा आदमी होगा। हो सकता है सरकार बुरे आदमी को ही अच्छा समझे, है कि नहीं? बुरे आदमी को ही अच्छा समझे, देखते हैं नहीं है? हर पॉलिटिकल पार्टी में क्रिमिनल लोग मंत्री बन जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में क्रिमिनल लोग चुनाव लड़के जीत जाते हैं। हो सकता है उनके लिए वो निर्दोष हो। आप समझते हैं, आप मत वोट दीजिए, है कि नहीं? निष्पक्ष न्यूनतम जो है या निष्पक्ष जो है इसमें अर्थशास्त्री हो सकते हैं, श्रम शास्त्री हो सकते हैं, लेकिन वही पैमान निकल गया तो क्या कीजिएगा? पैमाना नहीं है ईमानदारी तोड़ने का। गांधी जी देखेंगे तो तुरंत आप घबरा जाते हैं, क्या करें अब? नहीं जी, कल आप डीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, नहीं और बनेंगे तो उसके बाद से तब हम हमसे पूछिएगा कि सर तब पूछने नहीं आएंगे आप। ईमानदार किसको कहते हैं? आप नहीं पूछने आएंगे हमसे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी इसलिए पूछ रहे हैं आप क्योंकि आप गांधी जी के फेरे में नहीं पड़े हैं। गांधी जी बहुत मूल्यवान आदमी है कि नहीं? उस गांधी जी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं, नहीं जी? तो आप उस समय आपको ध्यान आएगा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान आएगा कि सर क्या बोले, तब अभी ईमानदार किसको कहते हैं? जब सिस्टम में जकड़ेंगे, ऊपर से नीचे तक जाएंगे, पूरा सिस्टम खोखला है। जो आकर बोलता है ईमानदारी से काम करना है, ये करना है, वो महाभ्रष्ट है सिस्टम में। उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि घर बिल्डिंग बना लिया? आपके पास पेमेंट कितनी सरकार देती है जी? 60,000, 70,000, 80,000। इसे घर बन जाएगा पटना में, जीवन नहीं चलेगा आपकी। 60-70 हजार रुपए में आप क्या कर पाएंगे? तो वह आप भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन सरकार कराती है, सारे सिस्टम जकड़े हुए हैं, जितने पुलिस से लेकर के हर सिस्टम नीचे से ऊपर तक जकड़ा हुआ है। इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। डेवलपमेंट ऐसे होता है जिसको मन किया पैसा खा रहा, अरबों खरबों कहां से ले ली जाएगी? सरकार ईमानदार होगी तो आप पैसा रख लीजिए, कहां से कैसे बिल्डिंग बना लीजिएगा जी? रजिस्ट्री कचहरी में आपका रजिस्ट्री कैसे हो जाएगा? कैसे रजिस्ट्री करा लेंगे आप? कैसे कहां रखेंगे पैसा? सरकार एक दिन में चाहेगी ना सारा पैसा निकाल लेगी सबका। सरकार नहीं चाहती है, सरकार भ्रष्ट होती है। कोई भी सरकार है भ्रष्टाचार में संलिप्त रहती है, और वो अरबों रुपया आपका लेती है और आपके भी चुनाव के समय बांटती भी है। नेता लोग जाते हैं 2,000-4,000 देते हैं, आप वोट दे देते हैं, फिर अपना चलिए वैसे लेकर के लोग वोट देते हैं जी। तो ऐसे सिस्टम में चलते रहता है न्यूनतम। देखेंगे बड़े पार्षद का क्लास है,
ईमानदारी से नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, नहीं पढ़ेंगे, नहीं क्लास चलेगी, उनको क्या करवा, 5 साल मंत्री बन गए पूरा लूट कर रख ली है कि नहीं। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन बताया नहीं अभी, और आपको कहीं दूसरे जगह खो गए थे पढ़ा दिया फिर बता दे बता देते, चलिए दूसरे जगह मत होइए आप लोग क्लास में। देखिए समूचे सरकार न्यूनतम मजदूरी नियंत्रण करने के लिए राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी, आगे अधिसूचना में प्रकाशित होगा कि सरकार न्यूनतम मजदूरी नियंत्रण करने जा रही है, यदि किसी को आपत्ति हो तो 2 माह के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे राजपत्र में प्रकाशित करती है, प्रकाशन के 3 माह बाद लागू। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन समूची सरकार अधिकतम 5 वर्षों पर अधिकतम, इससे पहले जितना बार मांग रखेगी कि अधिकतम एक सीमा, अधिकतम 5 वर्षों पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कर सकती है। यदि 5 वर्ष बाद भी न्यूनतम मजदूरी में संशोधन नहीं होता है तो पुरानी दरें ही लागू। अभी तो बिहार सरकार 6-6 माह पर कर रही है, अभी तो 1 महीने में कर दी, सितंबर में हुआ 1 सितंबर को, फिर 1 अक्टूबर को भी हो गया। तो आप देखेंगे ये एक क्वेश्चन हम लिखाए होंगे आपको कि न्यूनतम मजदूरी का नियंत्रण एवं संशोधन, देखिए तो लिखा हुआ है क्वेश्चन है ना, उसका उत्तर यही लिखाएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि न्यूनतम मजदूरी का नियतन समझाए या न्यूनतम मजदूरी नियतन की प्रक्रिया की व्याख्या करें।